ऐसे में सवाल ये है कि अयोध्या ही नहीं पूरे देश की निगाहें आज टिकी हुई थी कि कोर्ट में आज क्या होता है। इससे पहले भी हमने देखा कि कोर्ट में आज क्या हुआ था, तमाम संत समाज से लेकर तमाम लोग टिके हुए थे, लेकिन ऐसे में आज अगर कोर्ट से कुछ मिला तो मिली तारीख। वो तारीख मिली है जनवरी की। अब यह मामला जनवरी में आएगा और जैसे ही मामला सामने आया, जैसा कि हमने आपको बताया, ताल ठोक के में दिखाया भी, अयोध्या में कई लोग जो है वो दुखी हो गए, कुछ लोग गुस्से में आ गए। संत समाज कह रहा है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, कि अब बहुत ज्यादा लंबा इंतजार हो गया है। ऐसे में आरएसएस की जो मीटिंग होनी थी, दीपावली मीटिंग, उसे पहले बुला लिया गया और उसमें भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर इश्यू को डिस्कस किया जाएगा। वीएचपी ने 3 और 4 नवंबर को संतों को इकट्ठा होने का आह्वान किया है। अब तो सरकार के मंत्रियों तक ने कह दिया है कि सब्र का बांध टूटा चला जा रहा है और सब्र का बांध यानी कि हिंदुओं की प्रतीक्षा की जा रही है, हिंदुओं की परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बहस के ये बड़े सवाल जो कि हम यहां पर उठा रहे हैं, बहस के ये बड़े सवाल कि 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या समय नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल, सबरीमाला से अयोध्या तक हिंदू आस्था पर कोर्ट की क्या ये चोट है। तीसरा बड़ा सवाल, राम भक्त बेकरार, अध्यादेश कब लाएगी सरकार, राम भक्तों के धैर्य का इम्तिहान कब तक, और आखिरी बड़ा सवाल, राम मंदिर पर टूट रहा है क्या हिंदुओं का सब्र। चर्चा की शुरुआत करें, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहां पर पैनल से मौजूद हैं। सबसे पहले अवधेश पांडे, आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, आप हमारे साथ लंबे वक्त से, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था का इम्तिहान लिया जा रहा है क्या और सब्र का बांध ये टूट रहा है, 30 सेकंड। इस देश के बहुसंख्यक समाज और इस पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्तों का वास्तव में उनको आज प्रतीक्षा थी कि डे बाई डे हेयरिंग के माध्यम से हम परिणाम के करीब पहुंचेंगे, परंतु मैं अदालत से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मामले पर पुनर्विचार करें और शीघ्र इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करें। जनवरी तक पहुंच गया मामला, क्योंकि यहां पर सभी राम भक्त चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्णय आवे, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो, परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि मंच पर भी कुछ ऐसे इब्राहिम लोदी, बाबर और महमूद गजनबी के पैरोकार खड़े हैं जो यहां पर साजिश करना चाहते हैं। और यहां पर जो बाबर ने, जिस पुरातत्व के सर्वे ने सिद्ध किया था कि यहां पर किसी मंदिर के मलबे को तोड़ करके एक मस्जिद बनाई गई है और हिंदू समाज को, जिसको एक बार ज्वार हिंदू समाज का उमड़ा था और वो मस्जिद नस्तनाबूद हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को संदेश कम से कम यहाँ से, अगर ये कहा जा रहा है कि क्या ये हिंदुओं की आस्था पर चोट है, क्या पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था की क्या परवाह नहीं है किसे, क्या ये संदेश यहाँ से नहीं जा सकता है जब आप लोग कहते हैं कि ये तो टाइटल सूट है, जब आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये मस्जिद मंदिर का विवाद ही नहीं है, क्यों ना इस बहस को और आगे शुरू किया जाए और ये कहा जाए कि नहीं, आपकी आस्था के साथ हमारी आस्था जुड़ी है, मंदिर यहीं पर ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, एक चीज अगर आप लोग समझ लें धैर्य से सुन करके कि ये मुसलमानों को कोई जिद नहीं है, उसकी धार्मिक बाध्यता है कि मस्जिद की जगह को वो खुद से नहीं दे सकता, आप ताकत से ले लो, अदालत से ले लो या जिस तरह से ले लो। आज हमारे हिंदू भाई अगर समझ ले, हमारी धार्मिक बाध्यता है, मस्जिद है ही नहीं, जो भी अगर मुसलमान मस्जिद की जगह को मंदिर के लिए देगा वो मुसलमान नहीं रह सकता। ये कहाँ माना गया कि मस्जिद है, महंत जी कहाँ माना गया कि मस्जिद है, महंत जी एक सेकंड आऊंगा, महंत जी कहाँ माना गया कि मस्जिद है, जिनका संचालन बाहर से होता है। देखिए, बता देना चाहती हूँ, आतंकवादी था बाबर के पक्षधर, हिंदुस्तान में कोई सच्चा मुसलमान नहीं है, 1% आतंकवादी फंडिंग करके 1% मुसलमान है। एक बार सुनिए, बाबर ने 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया है, वो 40,000 हमारे मंदिर वापस होने चाहिए। तो आपको लगता है कौन आस्था का इम्तिहान कौन ले रहा है फिर, हिंदुओं के सब्र का बांध लगातार कहा जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, क्या इतना बड़ा मामला नहीं है कि वक्त होता कोर्ट के पास, सबरीमाला के लिए वक्त है, रिफॉर्म्स की बात तमाम है, लेकिन आज इस पर तारीख दी गई है, 30 सेकंड आपके। कि संत संघ और समाज, ये संघ के प्रमुख ने हमारे पहले कह दिया है कि अध्यादेश लाके मंदिर का निर्माण करना चाहिए। संत समाज बुरी तरह से उद्वेलित है, उसको बहुत दिनों से उम्मीद थी कि हाँ आज कुछ ना कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से होगा। और जनता की जहाँ तक बात है, समाज की बात है, मैं सामने खड़ी जनता से कहना चाहूँगा कि हाथ उठा के बता दे क्या वो चाहती है कि अध्यादेश लाके मंदिर निर्माण किया जाए या नहीं। बिल्कुल,
देखिए आपके सामने सारी चीजें ठीक है ठीक है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से भी मौजूद है, दिल्ली से मौजूद है, मीमांसा मेरी सहयोगी मौजूद है, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। और गौरव भाटिया से मीमांसा जरूर सवाल पूछेगा कि हमारी हर बहस में हम जो भी सवाल उठा लें, हर सवाल अंत में आकर के इस पर ठहर जाता है कि अध्यादेश कब लाएगी सरकार और हिंदुओं के बिल्कुल सज्जन बड़ा सवाल यही है कि राम भक्तों आपके पास। जी बिल्कुल, राम भक्तों की बेकरारी हम महसूस कर सकते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर भी, आपके इर्द गिर्द जो राम भक्त वहां पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि सरकार क्या अध्यादेश लेकर आएगी और लाएगी तो कब लेकर आएगी। और यहाँ मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर फहीम बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु स्वामी विवेक विराट हमारे साथ हैं, मोहम्मद सखी खान राठौर महासचिव हैं ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के, वो स्टूडियो में उपस्थित हैं, यूपी शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ से वसीम रिजवी जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम लल्ला के, और जो तमाम मेहमान आपने देखा सचिन के साथ वहां पर मौजूद हैं ही। गौरव भाटिया, सीधा सा सवाल यहां पर, खुली चुनौती आपको दी है ओवैसी ने कि आप अध्यादेश लेकर आइए ना, और साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो कानून ला सकती है, तो फिर दिक्कत कहां पर है? नहीं, ओवैसी कौन है ये बताएंगी मीमांसा जी? कौन ओवैसी? ये वही वाले ओवैसी हैं जो 15 मिनट पुलिस हटा लो हिंदुओं को मजा चखा देंगे, या ये वो वाले ओवैसी हैं जिनकी छाती का जब नाप लिया गया तो 5 इंच नहीं निकली थी और 56 इंच की छाती वाले मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं? अरे मैं ये कहूंगा मीमांसा जी, पूरा देश एक बात जानता है कि अगर कोई एक पार्टी है जो भव्य राम मंदिर के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये सपना तो बहुत सालों से दिखा रहे हैं। चलिए ओवैसी जी जो बात कह रहे हैं उसे हम एक बार को छोड़ भी दें, हम नहीं ये मांग अध्यादेश लाने की जो मांग है ये तो हिंदू संगठन भी उठा रहे हैं, साधु संत आपसे नाराज हैं, वो भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आती, कानून क्यों नहीं बनाती सरकार। हाँ मीमांसा जी, देखिए पहली तो एक बात जान लीजिए, 110 करोड़ हिंदू इस देश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही भव्य राम मंदिर बनाएगी अयोध्या में। हाँ, हमारी आस्था संविधान में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, और मामला क्योंकि लंबित था इसलिए हमेशा हमने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में डे टू डे हियरिंग होके जल्द से जल्द फैसला आए। राहुल गांधी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, उस समय आपने एक एक करके ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए? मैंने कहा कब लाएगी, कब बनाएगी, 4.5 साल बीत गए हैं, 4.5 सालों में भगवान राम का नाम तक नहीं लिया गया, मोदी सरकार या मोदी का कोई भी मंत्री वहां जा नहीं सका, ये कह नहीं सका कि हम बनाएंगे राम मंदिर, 4.5 साल के बाद ही भगवान राम याद आए। आप सबरीमाला में वहां जाके जनता का साथ दे सकते हैं, शिरडी के साई मंदिर में जाके माथा टेक सकते हैं, बोहरा समुदाय में जाके मध्य प्रदेश में माथा टेक सकते हैं, क्या भगवान राम लला के मंदिर में जाके माथा टेकने आए थे जिसका वादा करके आप सरकार में आए थे, जिस हिंदुत्व एजेंडे के लिए आप आए थे? अच्छा, आप चिल्ला लीजिए, हिंदुत्व एजेंडा कहाँ गया भाटिया जी? यहाँ बहस करने आप नहीं आए हैं, ठीक है, बहस ही कर रहे हैं। चलिए जवाब सुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, मैं चाहती हूँ कि एक-एक रिएक्शन सबसे कम से कम ले लिया जाए। विनोद बंसल जी, आप पत्थरों से भरे ट्रक तो भेज रहे हैं अयोध्या में, मुझे ये बताइए राम मंदिर का निर्माण कैसे होगा? अदालत ने तो टाल दिया इसको जनवरी तक, और सरकार से कोई भरोसा मुझे तो कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा कि वो अध्यादेश लाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। देखिए पूज्य संतों ने इसीलिए 5 अक्टूबर को तय कर दिया था, आपको बताया संतों की उच्चाधिकार समिति ने कि भाई हमने अब तक बहुत इंतजार कर लिया, 125 साल हम कोर्ट में इंतजार किया, 60 साल हाई कोर्ट में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज ने पूरे संपूर्ण देश का अगर अब विश्व का अगर रिकॉर्ड उठाओगे तो 60 साल हमने हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में इंतजार किया, अब इंतजार की इंतहा हो चुकी है जी। मीमांसा जी, अब नहीं सब्र का सब्र होता, अभी छाती पर पत्थर रख करके हम एक एक दिन गिन रहे हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। आप मुझे बताइए कि जिस संसदीय कानून का ये जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी ने भी, देखिए वो संकल्प था इनका, संतों का हमारा संकल्प है, संतों ने 3 बातें कही थी, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं,
इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि संसदीय कानून एकमात्र रास्ता है और अभी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते करते अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर ही कर दिया। आप कह रहे हैं अनलिमिटेड इंतजार नहीं हो सकता, ठीक है, अब नहीं हो सकता, ठीक है। फहीम बेग, आपके तो मन की मुराद पूरी हो गई, अब मुझे ये बताइए अगर अध्यादेश लाती है सरकार आप क्या उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं? देखिए अब जो ये जिस तरह का नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, बंसल जी, आरएसएस, बीजेपी आपस में एक दूसरे की तरफ ये निशानेबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति को ऊपर उठाने के लिए 2019 को अपना भी कुछ गरमाई देने के लिए। अरे अपने गुर्गों को समझाइए सुप्रीम कोर्ट में सुनील चंद्र बकबोड़ के नाम से क्या कर रहा है वो, 1400 करोड़ सुनील चंद्र बकबोड़ क्या कर रहे हो, आदियों का संगठन वहाँ सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है, लेके बैठे 1400 साल बर्बाद कर दिया, 1400 करोड़ रुपया 1400 साल बर्बाद कर दिया श्रीमान मानीसरोवर। अरे रोक कौन रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेहमान साहब, आखिरकार मेहमान साहब बार बार एक सवाल उठाया जा रहा है, नहीं देंगे ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है, गिरिराज ने भी कहा, गौरव भाटिया भी बोल रहे हैं, संघ के लोग भी बोल रहे हैं कि अब तांडव होगा, अब सब्र नहीं होगा, अब ये किया जाएगा, अब दंगा किया जाएगा, सबर का ज्वाला फूट गया है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई कौन आड़े आ रहा है? अरे ये मोदी जी साहब, अगर मुस्लिम समाज आगे आ जाता और राम मंदिर निर्माण में सहयोग सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर देते तो राम मंदिर का निर्माण हो जाता। फहीम बेग साहब, ये सियासत है जिसकी वजह से ये लंबा इतना खिंच गया मामला। चलिए विनोद बंसल जी, मैं सरयू के तट पर इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल, फहीम बेग साहब दो सेकंड रुकिए जरा जो होगा और उनकी बात भी सुन लीजिए। फहीम बेग साहब सुनिए अभी सरयू के खिलाफ होगा, जिहादियों के खिलाफ होगा। विनोद जी 2 सेकंड रुकिए जरा, सरयू के तट पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है विशाल पांडे। विशाल मुझे बताइए, साधु संतों के तेवर तो अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गए होंगे, वो तो पहले से कह रहे थे, जब अक्टूबर में सुनवाई थी तभी कह रहे थे कि अध्यादेश लाना चाहिए, कानून बनाए सरकार, अब तो तेवर और भी ज्यादा आक्रामक होंगे। बिल्कुल मीमांसा, साधु संतों का जो सब्र का बांध है वो आज जो कुछ हुआ कोर्ट में, जो सुनवाई टली है जनवरी तक, उसके बाद उनका बांध और ज्यादा टूट गया है। साधु संत साफ तौर पे सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार अब देरी ना करे, क्योंकि लगातार अयोध्या के नहीं देश भर के साधु संत सरकार को ये अल्टीमेटम देते आए कि जब अयोध्या में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है तो आखिरकार अब तक राम मंदिर में देरी क्यों हो रही है, क्यों नहीं सरकार इस पर अध्यादेश लाती। वो तमाम उदाहरण देते हैं कि ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश आ सकता है, SC ST पर सरकार कानून ला सकती है, तो राम मंदिर पर सरकार कानून क्यों नहीं लेकर आ रही है। और आज जब जनवरी तक ये मामला टला है, क्योंकि अब साधु संतों का साफ तौर पे ये कहना है कि जनवरी में अभी ये डिसाइड होगा कि आगे की सुनवाई का तरीका क्या होगा, कोई उस पे भी डे टू डे हियरिंग तय होगी कि नहीं होगी, इससे मामला और ज्यादा आगे खिंच सकता है। तो साधु संत लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो शायद उसे साधु संतों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। यहाँ पर हमारे पीछे सरयू आरती भी हो रही है मीमांसा, और सरयू आरती के मुख्य जो पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं। आपका क्या कहना है जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है अयोध्या मामले को लेकर जनवरी तक? सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई टली है, जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, आप अगर उनके ऊपर ध्यान देंगे तो उनके पिताजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। देखिए हम कोर्ट के न्यायाधीश पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। मैं बोलूंगा ना, आप नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूँ। उनका कहीं ना कहीं से ये मंतव्य है कि इसको खींच करके हम आगे ले जाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है, जो मना शक्ति उसकी है, जो अब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम मांग बराबर करते आए और सरकार उस पर कर भी रही है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बार बार अपना फैसला बदल रहा है, ये भी नहीं नियत किया है कि जनवरी में कौन सी डेट पड़ेगी, किस डेट को तारीख है, ये भी नहीं निश्चित हुआ है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अध्यादेश ले आ करके, जिस तरह से और सारे कार्य उन्होंने किए, 3 तलाक पर उन्होंने बिल पास कराया और सारे काम किए, उसी तरह से राम जन्मभूमि पर भी अध्यादेश लाया जाए, बिल पास हो आगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। आप देखिए दिवाली में मीमांसा यहाँ पर पूरी सरकार भी इकट्ठा होगी, केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार तो, और एक बार हम अपने दर्शकों को यहाँ की आरती भी दिखा देते हैं, दिखाने की कोशिश करते जो इस वक्त सरयू आरती हो रही है, क्योंकि हर शाम को यहाँ पर इसी बात की प्रतीक्षा होती है कि शायद सरकार या
सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा फैसला आए और शायद भगवान श्री राम का जब यहाँ पे मंदिर निर्माण शुरू हो तो यहाँ पर कोई एक भव्य आरती हो, लेकिन आज भी यहाँ पर आरती हो रही है। ये तस्वीरें देखिए और हर किसी को इंतजार है अयोध्या में कि कम से कम राम जन्मभूमि पर सरकार अपने स्तर पर कुछ फैसला जरूर ले। हम आपके जरिए यहाँ देख पा रहे हैं और सरयू का पानी भले ही शांत हो लेकिन धार्मिक भावनाएं वहां पर उद्वेलित होती हुई हमें इस वक्त नजर आ रही हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मौलाना मोहम्मद सखी खान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना सखी खान साहब, विवादित जगह पर जो नमाज पढ़ी जाती है वो तो कबूल भी नहीं होती है, ये अहम का टकराव ही है ना, ये तो सियासत ही है जिस वजह से ये मामला इतना खिंचता जा रहा है। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूं कि इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता है कि कोई विवादित जगह पर मस्जिद बनाई जाए, और कहीं से कहीं तक भी शरीयत इस्लामिया में ये नहीं लिखा है कि अगर किसी कोई जगह किसी से छीन कर जो है मस्जिद बना दो, वहाँ मदरसा तामीर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। बहरहाल जो बाबरी मस्जिद के मसाइल हैं वो बहुत पुराने हैं और उस मामलात पर कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है आज भी, जैसे आपने समाप्त किया। क्या नए सिरे से सुलह की कोशिश नहीं हो सकती? मेरा बहुत ही सीधा, देखिए सुलह का जहाँ तक मसला है, अगर मस्जिद का मामला है तो जमीन से लेके, आप सुनिए पहले, जमीन से लेके आसमान तक मस्जिद मस्जिद ही है, ना उसे बदला जा सकता है ना वो जमीन। सुनिए आप एएसआई की रिपोर्ट को भी नकार रहे हैं, आप उसे भी भूल रहे हैं। मैं साफ साफ बात ये कहता हूँ कि मस्जिद की जो कोर्ट लग जाएगा, कुछ नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लग सकता। देखिए वो पाप का ढांचा था, पापी ने बनाया था, आप ढांचा मत कहिए, आप ढांचा मत कहिए, बिल्कुल ढांचा था। अरे पापी का ना डिक्टेटरशिप है, अरे पापी का आप बोलिए डिक्टेटरशिप है, वो मस्जिद नहीं था, व्यभिचार कांटा था। 25 आप कहते हो अगर आप मस्जिद बोलते हैं तो मुझे तो भाई आप शर्म आती है, कुछ नहीं होगा, आप दलाल से बोलिए। अरे कम से कम ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सही से बोलिए। अरे पाप की औलाद को आप ये कहते हैं कि ठीक है विनोद बंसल, विनोद बंसल, एक सेकंड, ये मस्जिद के सामने ठीक है उच्च न्यायालय ने साफ कहा, आप मैं आगे की बात कर रही हूँ मौलाना सखी, आप फिर पीछे चले जाते हैं मस्जिद के, मैं आगे की बात कर रही हूँ। मामला सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है, सवाल मैंने आपसे सीधा सा किया था कि सुलह के जरिए क्या कुछ कोशिश हो सकती है, एक बार फिर से वो आप तैयार नहीं है, ठीक है। गौरव भाटिया आप सुन रहे हैं, बात वही की वही है। मेरा आपसे सीधा सा सवाल, जो राम भक्त आपको आज सुन रहे हैं, जो करोड़ों हिंदू आज सुन रहे हैं, कोई सुनिए विनोद बंसल, सुनिए आगे की बात कीजिए। गौरव भाटिया आप कोई भरोसा देने के लिए तैयार है? विनोद बंसल सुनिए बाबर को छोड़ दीजिए, क्या किया था, आगे क्या करना है ये बात करनी है। सुनिए गौरव भाटिया, कोई भरोसा आप दे सकते हैं राम भक्तों को, या सपने ही दिखाते रहेंगे, या आपको लगता है आंदोलन होगा तो उसके जरिए भी वोटों का ध्रुवीकरण होगा और फिर से आपको फायदा होगा? प्लीज प्लीज आपसे सवाल नहीं है, मेरा गौरव भाटिया से सवाल है, 2 सेकंड चुप हो जाइए। गौरव भाटिया देखिए मीमांसा जी, हमारे लिए भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने ये हमारी प्रतिबद्धता है और प्राथमिकता है, इसको आप चुनाव से ना जोड़े, वोटों से ना जोड़े, हम समझते हैं इससे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नहीं है। और जहां तक बात है आपने कहा अध्यादेश की, तो मैं एक बात बता दूं, क्योंकि उच्च न्यायालय से हम जीते हैं इसलिए हमें लगता है सर्वोच्च न्यायालय में भी जीत हमारी होगी, लेकिन संविधान के दायरे में रह के और अहिंसा पूर्वक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। भी एक व्यक्ति कह रहे थे मुख्य न्यायाधीश पे आरोप लगाए, मैं खंडन करता हूँ ऐसी बातों का, मुख्य न्यायाधीश पे आरोप नहीं लगाने चाहिए, और अगर हमें संवैधानिक तौर से अगर विधेयक भी लाना पड़े तो क्योंकि सुझाव आते हैं इससे विचार विमर्श होगा, चिंता होगा, लेकिन पूरे देश के साधु संत ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये राम भक्तों के साथ धोखा है। जरा अयोध्या की आवाज सुनिए, गौरव भाटिया के लिए बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे गौरव भाटिया स्टूडियो में आएंगे तो हमें बताइएगा, हम पूछना चाहते हैं। गौरव भाटिया से सवाल है, डाउन कीजिए क्योंकि मुझे आवाज नहीं आएगी। हाँ सुनिए,
हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, बताना ये चाहे कि 2014 के चुनाव में जब वो चुनाव में आए अपनी मूवमेंट को लेकर, तो उनके पास भी सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा, और 2019 आने वाला है फिर उनके पास राम मंदिर का मुद्दा। इससे पहले एससी एसटी पर अध्यादेश ला सकती है सरकार, तो क्या राम मंदिर पर नहीं ला सकती? अगर अध्यादेश आएगा मंदिर बनेगा, कब बनेगा एक निश्चित, अगर 2019 जिता दिया जाए तो मंदिर बना देंगे क्या मोदी जी? इस बात का निर्णय करेंगे, कर सकते हैं? बताइए गौरव भाटिया, ये कह रहे हैं कि क्या 2019 भी जिता दिया जाए तब मंदिर बनाएंगे? लिखित देने को तैयार है भारत देश की जनता को? क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के देश की जनता को देंगे? सुनिए गौरव, एक मिनट देखिए, मेरे भाई लोग वहां से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने दिलों में वो भी जानते हैं कि अगर किसी पार्टी ने हमेशा भव्य राम मंदिर की बात करी है, कार्य किया है और प्रदेश की सरकारों की भी चिंता ना करते हुए आंदोलन चलाया है तो भारतीय जनता पार्टी है। और 2014 का ही क्यों, इससे पहले के हर मैनिफेस्टो में भव्य राम मंदिर की बात की गई थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था। अगर अब वक्त लगेगा तो और जो संवैधानिक तरीके हैं उसके सुझाव आ रहे हैं और उस पे भी चर्चा होगी। गौरव भाटिया, बात से पेट नहीं भरता है, जो हम लोग कर रहे हैं सुनने के लिए जनता नहीं बैठी हुई है। जो वादा आपने किया है वो वादा निभाना होता है। राम कसम राम की खाते हैं, राम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो वादा आपने दिया था, ये दारा जो दिया था, ये पूरा नहीं हुआ है और जनता भी इसका हिसाब मांग रही है आपसे सीधे सीधे। चर्चा को जारी रखेंगे। मंदिर बन गया, सत्ता के लिए ही और भाजपा ही मंदिर बनवाएगी। भाजपा ही भाजपा के लिए व्यवस्था का विषय है। मंदिर चाहिए, सिर्फ मंदिर। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को बनवाना चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की मोनोपोली नहीं है ये। मैं आ सकता हूँ सचिन जी, मैं कुछ कह सकता हूँ सचिन जी? बैठिए एक सवाल। हाँ बोलिए। हम जितने ये दुकानदार लगाए अपनी दुकान बता रहे हैं कि 1528 में अभी बता रहे हैं एडवोकेट साहब कि जो है ये फैजाबाद के एडवोकेट सिद्दीकी जी है, इनको इतना भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी माननीय वसीम रिजवी सिया बबोर्ड के हलफनामा दिए हैं उसमें बताए हैं कि मीर बाकी जो है वो 1528 में वहां स्थापित था। क्या ये सिया की मस्जिद में सुन्नी जाता है नमाज पढ़ने, या जितने दुकानदार हैं, जितने मौलाना? और एक तो ये भी कहा जाता है ना कि विवादित जगह है तो वहां पर नमाज कबूल भी नहीं होती। ठीक है मीमांसा, नहीं ठीक है, मेरे स्टूडियो में गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया कहना चाह रहे थे, गौरव भाटिया, सरयू तट पर राम की प्रतिमा खड़ी हो सकती है, राम के नाम का संग्रहालय आप बना सकते हैं, आप अयोध्या में जाकर बहुत ही विराट दीपावली मना सकते हैं, लेकिन रामलल्ला त्रिपाल में ही रहेंगे। नहीं मीमांसा जी, मेरे भाई और बहन अयोध्या में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो मंदिर बनाएगी, और मैंने ये सुना भी, और कुछ लोगों ने ये बात उठाने की कोशिश करी दूसरे वर्ग से कि ये वोटों की राजनीति है। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकारें इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बान करी है, लेकिन इस मुद्दे पे अडिग और अटल भारतीय जनता पार्टी रही है और सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन भगवान राम से ऊपर सर्वोपरि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो पार्टियां आज कहां है जो चुनावी हिंदू राहुल गांधी जो ये कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, या समाजवादी पार्टी? अरे एक जो बार और पार्टियों के नाम मत लीजिए गौरव भाटिया, ये वादा आपने किया था, वादा आपको निभाना था, गोली मरवानी, दूसरी पार्टियों पर इसे मत थोपिए। थग्स ऑफ हिंदुस्तान का अंत हो चुका है। गौरव भाटिया आपको जवाब देना था, वादा आपने किया था, घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का वादा आपने किया था। अहिंसा पूर्वक भव्य राम मंदिर बहुत जल्द ही अयोध्या में बनेगा। बहुत जल्द नहीं, तारीख बता दीजिए। क्या रख सकते हैं, 1000 करोड़ की मूर्ति बना रहे हैं भाई। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लग लीजिए और मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जो न्याय संगत हाई फाई दफ्तर बना लिया। गौरव भाटिया जी इस बात का जवाब दे, मंदिरों में आपकी दुकान है? अरे जो आप हमें तारीफ होती है जब चाहे लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ त्याग होता है, वहाँ कुर्बानी होती है, वहाँ तकाबुली होती है। क्या चुनावी हिंदू राहुल गांधी ने कहते सुनने की भी आदत डाली है? क्या कह रहा है? गौरव भाटिया जी, हमारा प्रश्न आपसे है,
अध्यादेश की डेट बताइए, अपने मुंह से काले कपनी धुल लीजिए इसी में, SC ST एक्ट का। जो लोग कहते हैं बार बार की अध्यादेश लावे, वो वैसी क्यों नहीं लाता है? और हम समर्थन करते हैं कांग्रेस वाले लावे, हम मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ ऐसे जो प्रश्न पूछो ना उत्तर देता हूँ। भाई चढ़ा रहे हैं आपको, वैसी थी तो चढ़ा रहे, हिम्मत है तो लेकर के आइए। वो तो जैसे बीजेपी को लाने में क्या दिक्कत है? एक मिनट मैं उत्तर देता हूँ, मेरे भाई ने एक प्रश्न किया है। RSS को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनावे और राम मंदिर का तिथि को जल्दी जल्दी से घोषित करे, और यह RSS की बात। भैया सुनिए, बताएं हम बताएं सुनिए, अगर जिस दिन सब्र टूटा जैसे टूटा था पकौड़े, जिस दिन अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो राम मंदिर बनेगा और भव्यतम मंदिर बनेगा, किसी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मस्जिद के तरह जैसे टूटा वैसे ही राम मंदिर बनेगा। आज के न्यायाधीश के निर्णय ने हम सभी को उन्मादी बनने पर विवश कर दिया, और अगर ये उन्माद फूटा तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदार सरकार की होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी। रखते जिगर हम राम पर जान नछावर कर देंगे, वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त के दामन भर देंगे। अगर मोदी जी चाहते हैं कि राम मंदिर बने तो हेलो, बढ़ रही है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, तस्वीर बदलनी चाहिए, इनके सीने में न तही, इनके सीने में न तही, सबके सीने में वो ज्वाला जलनी चाहिए, वो ज्वाला जलनी चाहिए। आज आज ज्वाला जल रही है। निशान निशान जी, अरे हमारा ये आज अध्यादेश का आया है मामला, ये जरूर सबको निराश किया है, हम लोगों को, अयोध्या वासी को, लेकिन अयोध्या जो है धैर्य की धरती है, उनको जो समय आदरणीय सरकार को मिला हुआ है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए, नहीं नहीं मैं वापस आ रहा हूं, आपने जितने भी सारे सवाल, एक सेकंड और सचिन, एक जवाब एक सेकंड 30 सेकंड वापस जाने दीजिए, 30 सेकंड वापस जाने दीजिए, वापस आ जाऊंगा, 30 सेकंड आप लोगों से ले रहा हूं। सचिन जी सचिन जी, आप देख सकते हैं कितने इंपेशेंट है लोग, ठीक है 30 सेकंड दिए स्टूडियो, पकड़ के बंदी बनाओ। गौरव भाटिया देख रहे हैं आप लोगों का रोष, गौरव भाटिया का घेराव किया जाए और इनको पकड़ा जाए, इनको बंदी बनाया जाए, जनता ये करने वाली है। अरे जवाब वचन पे रहेगा, दो सेकंड रुक जाइए, वो भारतीय जनता पार्टी है, पूरी जनता में एक व्यक्ति कोई दूसरी पार्टी से कामना नहीं करता है, अगर उनकी उम्मीद सारे एक साथ नहीं, प्लीज एक एक करके बोलिए, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, लोगों का रोष देख रहे हैं। मंत्री को घेराव करेगी जनता, सुनिए सुनिए फहीम बेग साहब, उनको जवाब दे दीजिए, गौरव भाटिया जो घेराव करेंगे, प्लीज एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बोलिए, चुप कराइए इन्हें, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। मीमांसा जी देखिए, उम्मीदें जनता को अपनों से होती हैं, उम्मीदें उस पार्टी से होती हैं जिस पे उन्हें विश्वास होता है, वो उम्मीदों पे खरी उतरेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर किसी और पार्टी का नाम तो वो दीजिए, वो जानते हैं और इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आप बिल्कुल सीधी बोली बोलिए कि हम कट्टरपंथी हैं, संवैधानिक तरीके से बना, आपको अपनी चलानी है राम मंदिर। अरे चुप करिए आप, कौन है आप, बोलिए बोलिए कर रहे हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया बाकी पार्टियां, लेकिन आप ये कहिए कि हम डकैती करना चाहते हैं, गुंडेगर्दी करना चाहते हैं, क्या बात कर रहे हो, एक साइड में रह के करेंगे, बताइए राम राम के नाम पर जवाब देना होगा, आपके 25 तरीके के जवाब है, अल्लाह मियां से ले डकैती डकैती आपके 25 तरीके के जवाब है, लड़िए मत, मेरे पास वक्त इतना ही है ठीक है, लेकिन एक एक लाइन में कमेंट, कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं। ओबीसी ने कहा 56 इंच का सीना है, मोदी मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, अगर मंदिर का अध्यादेश आता है ओबीसी के साथ जितने अन्य दल है, क्या वो समर्थन देंगे कि नहीं? मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ही बनवाएगी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में ही जब भी तमाम सरकारें ने उछावर कर दिया, और आप ठीक है, लास्ट कमेंट सब देश के सभी राजनीतिक दल अपनी राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
सभी दलों को यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। यहाँ पर सभी दलों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उन दल को भी, उन दलों को भी जो मंदिर की पैरवी करके इतने बड़े पहुंचे, या फिर अध्यादेश की अब जो बात आती है, या फिर उन दलों को भी जो कहते रहे कि हाँ अगर हिम्मत है तो अध्यादेश लाइए, या फिर मंदिर के हम तो पक्ष में है तो फिर मंदिर कैसे रुक रहा है, या फिर कोर्ट में जब तारीख है तो कोर्ट से क्या अपील किया जा सकता है कि मामला जल्दी सुना जाए। लेकिन फिलहाल ये जनवरी में तारीख है, लोगों के बीच जो रिएक्शन थे वो हमने आप तक पहुंचाए। फिलहाल तालठोके में इतना ही, फिलहाल तालठोके में इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बस तारीख ही मिली है आप सबका। ना त्रिपाल से मुक्ति मिली है और ना ही सियासत से मुक्ति मिल रही है, यही दुर्दशा है हमारे देश की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तालठोके के स्पेशल एडिशन में आज के लिए इतना ही।